यह पानी नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के आंसू ही नहीं, बल्कि काली यादों का भी एक प्रतीक है। इस पानी में चकमा समुदाय ने अपने साम्राज्य खो दिया और कई पहाड़ी जनजातियों ने अपने जीवन एवं परिवारों के साथ साथ पुरखों की जमीन और जन्मभूमि खो दिया जहां वो पैदा हुए थे। इस डैम के कारण आज चकमा समुदाय के राजमहल एवं उनके साम्राज्य के साथ साथ धर्मगुरु आदरणीय भनवंते के जन्म स्थान और हाजंग समुदाय की पुरखों के जमीन इसी पानी के नीचे है। इसलिए यह पानी नहीं बल्कि खाली यादों का एक प्रतीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कप्ताय बांध के बारे में। जो बांध लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर बनाया था। कप्ताय बांध का निर्माण 1957 में शुरू किया गया था। निर्माण का प्रारंभिक चरण में 1962 में पूरा हुआ था, जब 1957 में इस बिजली परियोजना की योजना को मंजूरी दी गई थी। चट्टगांव हिल ट्रैक की कुल क्षेत्रफल 5093 वर्ग किलोमीटर था और इस जिले में कुल आबादी लगभग 3 लाख थे। इस डैम की वजह से 54% जमीन पानी के अंदर बह गई थी। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 40% खेती योग्य भूमि पानी के अंदर चला गया और 18,000 परिवारों को अपने घरों से बेघर कर दी, जिसमें से 10,000 परिवार भूमि का मालिक थे। 1 लाख लोगों में से 70% चकमा समुदाय से संबंध रखते थे, जो बेघर हो गए थे। इसमें से लगभग 40,000 लोगों को भारत में प्रवास करने के लिए मजबूर बनाए हैं और 1964 में 4,012 चकमा और हाजंग परिवारों को अरुणाचल प्रदेश लाया गया। जो परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, उनके पुनर्वास करने के लिए मैनुअल में संशोधन किया गया था। नए संशोधन के अनुसार किसी भी परिवार को 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन नहीं मिलनी थी, पर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इस कानून को फिर से संशोधन किया गया। नया संशोधन के अनुसार प्रत्येक परिवार को सिर्फ 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने या तो प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए निरर्थक प्रयास किया था या जानबूझकर सभी को मदद नहीं दी। चट्टगांव हिल ट्रक्स के सभी व्यक्ति कप्ताय हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से प्रभावित हुए, लेकिन सभी को समय पर मुआवजा नहीं मिला था और अधिकतम जमीन के दस्तावेजों की कमी के कारण मुआवजे का एक पोटी करी नहीं मिला। उनके भूमि को बल द्वारा ले जाने के बावजूद भी आदिवासी लोगों के समय पर पुनर्वास नहीं किया गया था। जब उन्होंने भूमि और भोजन मुआवजा के रूप में मांगा, तब पाकिस्तान सरकार ने उन्हें कहा, कस्टलंग के जंगल में चले जाओ, वहां घर बनाओ जहां पर आलू की कमी नहीं है। 1980 के दशक ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया गया था। हालांकि केवल 2.6 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया, पाकिस्तान सरकार ने जानबूझकर खर्च नहीं किया। चिट्टगांव हिल ट्रक्स के सभी व्यक्ति कप्ताय हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से प्रभावित हुए, लेकिन सभी को समय पर मुआवजा नहीं मिला और कई को जमीन के दस्तावेज की कमी के कारण मुआवजे का एक पोटी करी नहीं मिला। हजारों लाखों लोगों ने अपने परिवार और संपत्ति खो दी। जो लोग कप्ताय बांध के कारण विस्थापित हुए, उनमें से अधिकांश अभी भी अच्छी तरह से नहीं बच पाए और वे अभी भी
अंधेरे और जंगल के बीचों बीच रहते हैं। उसमें से अधिकांश अभी भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए खोज रहे हैं, लेकिन कई अपने रिश्तेदार एवं परिवारों से जो बिछड़े थे वो मिले बगैर मर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब डैम का निर्माण शुरू किया गया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया और चकमा राजा को इसका शिकायत भी किया गया, लेकिन उन्होंने यह हंसकर इस बात को टाल दिया कि हम कुछ समय के लिए एक छोटी सी धारा को रोक नहीं सकते, फिर ये इतने बड़े समुंदर की तरह पानी पर एक बांध कैसे बना सकते हैं। इसलिए इस डैम के बुरे परिणाम का जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार के साथ साथ कुछ लोग चकमा राजा को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। 1964 में जब इस बांध पूरी तरह से तैयार हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप जिन्हें भारत पलायन के लिए मजबूर किया गया था, वे सभी लोग 1997 में जब चिट्टीगांव पीस एकॉर्ड समझौता होने के बाद वो बांग्लादेश लौट गए। 40,000 में से केवल 4,012 चकमा और हाजंग परिवार के लोग अरुणाचल प्रदेश में रह गए, क्योंकि वे भारत सरकार द्वारा लाए गए थे और उन्हें अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय नेताओं के साथ उचित परामर्श के बाद उन्हें स्थायी रूप से बचाया गया था। यदि जो चकमा और हाजंग समुदाय के लोग अरुणाचल में बचाए गए उनके परिणाम और उनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए दो वीडियो को जरूर देखें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।